हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दिल्ली से अपने घर गोरखपुर आया व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव, डीएम ने पूरे परिवार को कराया क्वारंटाइन, सीएमओ ने गोरखपुर न्यूज को दी जानकारी। मंडलायुक्त एवं डीआईजी ने सोमवार को जिले में मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के गांव हाटा बुजुर्ग का किया निरीक्षण, एरिया को सील करते हुए गांव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य परीक्षण के दिए निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज के गांव हाटा बुजुर्ग तथा प्राथमिक विद्यालय असिया भार उर्वा का निरीक्षण, पूरे गाँव के 3 किलोमीटर एरिया को किया सील, कहा मिलती रहेगी आवश्यक सुविधाएं। प्रदेश के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा में ई लर्निंग व्यवस्था पर की चर्चा, 2-2 घंटे के 4 सेशन बनाने के दिए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायत पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने भलोटिया मार्केट में की छापेमारी, दुकानदारों को किया आगाह, कहा मिली शिकायत तो होगी कार्रवाई। थाना चिलवाताल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत पार्षद प्रतिनिधि के अवैध 91 केन बियर के साथ किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने कहा देसी बियर की दुकान के लाइसेंसी को भी बनाया गया है अभियुक्त, जल्द होगी कार्रवाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, गरीबों में किया भोजन मास्क सैनिटाइजर का वितरण, कहा मानव सेवा ईश्वर सेवा के समान। रमजान के मौके पर फल के ठेला धारकों के 224 पास में से 160 पास हो चुका है वितरित, फलों की डोर टू डोर हो रही है सप्लाई, फ्रूट से एसोसिएशन के महामंत्री ने दी जानकारी। गोरखपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने से सदर सांसद रवि किशन ने व्यक्त की चिंता, गोरखनाथ मंदिर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, जाना हाल, कहा कोरोना से एक साथ लड़ने की है जरूरत। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह एवं उनकी टीम द्वारा लगातार जरूरतमंदों को की जा रही है विभिन्न प्रकार से मदद, रिक्शा चालकों को मास्क एवं महिला थाने पर बना खाना किया वितरित। सोमवार को महानगर में ठेला पर एक ही फलों के रेट देखने को मिले अलग अलग। सोमवार को साहबगंज गल्ला मंडी में दुकानों के आगे 1-1 मीटर की दूरी पर घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हो रहा है थोक गल्लों की सप्लाई। और सोमवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बेवजह घूम रहे लोगों को 1-1 मीटर की दूरी पर घेरे में बैठाकर दी गई सजा, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील।